दोस्तों, हम सबको यह समस्या होती है याद करने में कि सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन और दिन और रात कब कब बराबर होते हैं। इसके लिए इस वीडियो में आपको बताया गया है, कृपया करके ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तीसरा महीना लिखना है। जैसे कि जनवरी के बाद तीसरा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद तीसरा महीना जैसे मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई और जून, जून के बाद तीसरा महीना जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर के बाद तीसरा महीना जैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से हमें चारों महीने लिखकर हमें प्राप्त होता है मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अब हमें चार तारीखें लिखनी है जो कि इस प्रकार है 21, 21, 23 और 22। सबसे पहले 21, 21, 23 और 22, इन चारों तारीखों को उन चार महीनों के साथ जमानी है, जैसे कि 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अब हमें क्या करना है कि अल्टरनेट में जैसे मार्च और सितंबर, जून को छोड़कर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होंगे, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर, हमें सब जानते हैं कि दिसंबर से बड़े दिन स्टार्ट होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा छोटा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर का होगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।